हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बजाज फिनांस की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है सेकेंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो करोड़ में नंबर्स दिए गए और लास्ट ईयर में कंपनी का इनकम था 13,384 करोड़ का, बट इस बार कंपनी का इनकम जनरेट हुआ 17,095 करोड़ का, जो कि इस बार देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर के इनकम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में 16,102 करोड़ का इनकम था, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। एक्सपेंस हुआ है 8,626.4 करोड़ का लास्ट ईयर, इस बार का एक्सपेंस हुआ 11,697 करोड़ का। एक्सपेंसिस भी कंपनी का इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर में। लास्ट क्वार्टर में 10,839 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंसिस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 4,757.7 करोड़ का, लेकिन इस बार 5,401.4 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, बट लास्ट क्वार्टर में 5,265 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 35,150.8 करोड़ का लास्ट ईयर था, करंट क्वार्टर में 4,013.7 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज हुआ और 3,911.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में था, जो कि उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। देखिए, ईयर ऑन ईयर जितना प्रॉफिट में इंक्रीज किया है, इनकम इंक्रीज किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। ईपीएस 58.45 रुपीज का लास्ट ईयर था, इस बार 64.5 रुपीज का इंक्रीज है, और लास्ट क्वार्टर में 63.11 रुपीज का था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इंक्रीज किया है। मतलब ईयर ओवर ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इनकम प्रॉफिट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। इस बार का नए लोन्स जो बुक हुआ है लगभग 14% इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर में, और कस्टमर फ्रेंचाइजी भी जो है इस बार अगर देखिएगा तो 20% इंक्रीज किया है, और ये सभी मैं ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जो है 29% के साथ इंक्रीज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब NII 23% का इंक्रीज हुआ है, और नेट टोटल इनकम जो है 24% इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंपनी का 32.2% का इस बार देखने को मिला, सो डाउन देखने को मिला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डाउन है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है गाइस। लेकिन गाइस, ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी रिजल्ट पेश किया। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 25% इंक्रीज किया। लोन एसेट्स और प्रोविजन इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13% का इंक्रीज किया। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए 0.91% का, नेट एनपीए सॉरी ग्रॉस एनपीए 1.06% का, और नेट एनपीए 0.46% का थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी स्टेज 3 एसेट जो है 57% का। CRAR जो है जिसमें इंक्लूडेड टीयर 2 कैपिटल, जो कि ये भी जो है 21.69% का है, और टीयर 1 जो कैपिटल है 20.9% का है, क्योंकि एक अच्छी रिजल्ट कंपनी पेश किया गया, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिला है। अगर शेयर की बात करें 6,645.7 रुपीज में कंपनी का शेयर क्लोज किया था, 2% का लॉस हुआ था, और 5 डे में 5.1% का लॉस है, 1 मंथ में 12.5% का लॉस है। कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट पेश किया है, चांसेस है कि यहाँ से कंपनी वापस से रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए आज कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।